खालसा दीवान सोसायटी वैनकूवर वालों उन्हां प्लेयरां दा उन्हां पहलवानां दा स्वागत किया गया, सन्मान किया गया जिन्हां ने कॉमनवैल्थ खेडां विच तमगे जिते। इत्थे बर्मिंघम विच होईआं खेडां विच इत्थों दे तीन पहलवान तमगे लैके आए जिन्हां चों दो ने गोल्ड मैडल ते एक ने कांसी दा मैडल जितया। ये सारे पंजाबी पहलवान अपने पंजाबी भाईचारे विच जाने पछाने ने, इस करके सारे पंजाबी भाईचारे नू बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये तमगे लियांदे ते सारिआं नू माण दित्ता है। सो मैं गुरद्वारा साहिब दी समूह प्रबंधक कमेटी का साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मुख्य सेवादार सरदार मकीत सिंह जी ढेसी ते समूह कमेटी जिहड़ी हैगी आ, मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा कि इन्हां ने एक इह उद्यम कीता कि बच्चों की सलाहुणा दे लई बच्चों नू रैकोगनाइज़ करने उन्होंने अचीवमेंट्स जो सैलीब्रेट करने इन्होंने अज आप इतने इकट्ठा किया है। सो परमात्मा करे ये बच्चे होर तरक्या कर, खुशियां मानन, ये साड़ी कौम का चन मनारा आने वाले समय के साडे लिए इस तरह जोड़ा है वो होर भी जोड़ा है सानू प्यार देंदे रहेंगे और सानू जी है इस दे जी है खुशी तो मान, क्योंकि ये रोल मॉडल्स ने जी। सरदार साहब की शुभ नाम जी अपना, तो अपने अहदे बारे होर सारा कुछ दसो। सुख धालीवाल, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सरी न्यूटन तो जी। सुख धालीवाल जी, अज जिहड़ा सन्मान किया गया जिहड़े रैसलर जित के आए ने, इन्हां बारे तो इस तरह के होर जिहड़े प्रोग्राम हुंदे रहिंदे ने जां जिन्हां नूं तुसीं करना चाहुंदे हो उन्हां बारे अपने विचार दसो। देखो तीन बच्चे हैगे ने, अमरवीर ढेसी, निशान रंधावा और जसमीत फुलका, तिना बच्चों दो ने गोल्ड मैडल लाए ने, एक ने ब्रॉन्ज़। ये बड़ी खुशी है, माण भी है, क्योंकि परिवारों भी मैं बच्चों छोटे होंद ही मैं बड़े होंद देखा और मैं देखा कि किस तरीके उन्होंने, चलो पेरेंट्स तो इनवॉल्व ही हूँ, शीरी पहलवान उन्होंने जो आप गल करते हैं तो वह आप पहला सीगे अमरवीर के डैड, पर मावं का बहुत रोल हैगा ये, क्योंकि उन्होंने किस तरीके बच्चों प्रॉपर खाना देना, प्रॉपर तैयार करना, प्रॉपर टाइम देना। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हैगी है इन्हां परिवारों लई और साडी भाईचारे लई और साडे देश कैनेडा लई। तुसी मैंबर पार्लीमेंट हो, सरकारां वल्लों इहो जे कम्मां वास्ते बच्चों नूं की इनिशिएटिव दिते जांदे आ, ते अग्गे तो तुसी मेयर दी इलैक्शन लड़न जा रहे जी, की मेयर वल्लों जां तुहाडे कारपोरेशन वल्लों भी कुछ इस तरह दे करवाए जांदे आ मुकाबले जां उहनां लई इनिशिएटिव दिते जाणगे? देखो जिथों गल आउंदी सरकारां दी, सरकारां हमेशा एप्रीशिएट करदियां ने जदों भी, चाहे ओलंपिक्स होवे चाहे कॉमनवैल्थ गेम्स आ, जदों भी प्लेयर जित के आउंदे आ तो उन्होंने पार्लीमेंट के सन्मानित किया जाता। तुसीं मेयर्स की गल की है, क्योंकि सिटी जिहड़ियां ने मेजर रोल अदा कर सकदियां ने। हुण जदों आपां रैसलिंग ऑर्गेनाइजेशन की गल करते हैं तो यह प्राइवेट जिहड़े ने संस्थावां बनियां ने जिहड़े पेरेंट्स इहनूं चला रहे इस वेले, और उन्हां दी बहुत वड्डी देण हैगी आ। और ये जी साडियां म्यूनसिपल सरकारां कैन बी ए फोर्स ऑफ गुड, जिहदे विच असीं जिहड़ा चार नकाती प्रोग्राम असीं अनाउंस कीता सीगा उहदे विच असीं दस्सिया भी जिहड़े पार्कस एंड रैक्रिएशन हैगा उहदे विच असीं जिहड़ा हैगा उहदे विच लैंडमार्क इनवैसटमेंट्स करनियां तां कि जिहड़े बच्चे हैगे आ वह अपना जीवन जिहड़ा हैगा वह पॉजिटिव पासे नूं एक्टिव लाइफ स्टाइल नूं ला सकन और वह अपना पोटेंशियल जिहड़ा फुल पोटेंशियल आ वह रियलाइज कर सकन। जिहदे विच जदों आपां बच्चों की गल करते हैं निशान रंधावा और अमरवीर ढेसी और जसमीत फुलका, सरकारां जित्तण तो बाद ही सन्मान दिंदियां पार्लीमेंट च भी, तो उंज भी कि उस तो पहला भी कुछ मदद करदियां? देखो जिहड़ियां सरकारां हैगियां ने उहदे विच प्रोग्राम जिहड़े ने वक्खो वक्खरे स्पोर्ट्स अदारे जिहड़े ने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां ने उहनां नूं जिहड़ियां ने वह हमेशा चाहे जिहड़ियां ने वह कोई ना कोई जिहड़ा एनवायरमेंट हैगा वह क्रिएट किया जाता तां कि जिहड़े प्लेयर्स ने स्पोर्ट्समैन हैगे ने वह वक्खो वक्खरे फील्ड दे विच जिहड़े हैगे ने वह एक्सेल जिहड़ा वा वह अपने कर सकन। जी धन्नवाद।
साढ़े नाल ने जी इस वेले अमरवीर सिंह ढेसी जेडे गोल्ड मैडल लैके आए हैं कामनवैल्थ च, ते उन्हां दे पिता जी बलबीर सिंह ढेसी जेडे शीरी पहलवान दे नां नाल पूरे वैनकूवर ही नहीं आले दुआले पूरे बीसी विच जाने जांदे आ। उन्होंने इत्थे खेड क्लबां दी शुरुआत की, रैसलिंग दीआं क्लबां दी, रैसलिंग दे अखाड़ियां दी शुरुआत की शीरी जी ने, ते दूर दूर तक अज तक उन्हां क्लबां दा नां है, उन्हां पहलवानां दा नां है जिहड़े पनीरी उन्होंने बीजी, ते अज उह वड्डे वड्डे रुख बन के दूर तक छां कर रहे हैं। जिहड़ी एक उन्होंने लाइट जगाई वो दूर दूर तक रोशनी कर रही है। इहो जी रोशनी जिहदे ते पूरे पंजाबी भाईचारे नूं माण है। आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां। बलबीर सिंह ढेसी जी, सति श्री अकाल जी। तुहानूं ते सांझा पंजाब ते तुहाडे सारे दर्शकां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल जी। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਘਾਲ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਖਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਖਾੜਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੱਬ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੱਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟਾਊਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੋ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਅਖਾੜੇ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਲੱਬ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਆ, ਰੁਸਤਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥ ਦਿਓ? ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 15 ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਵਧੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਆਓ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ,
विशेषकर माता पिता तो किहो जिहा सहयोग मिलिया, किहो जिहे हौसले उन्होंने तुहानू दित्ते, होर दोस्तां ने की सहयोग दिता, इस बारे कुछ दसो। हाँ जी, आई मीन मैनू पता नहीं किन्ने किन्ने मैसेज आए, फोन मैं गोल्ड जीत के पता नहीं किन्ने 100 तो ज़्यादा होने से थाउजेंड्स ऑलमोस्ट प्रॉबली, बट नहीं सारिया ने सारे वो खुश से तो यू नो सारे ने कंग्रेचुलेशन किया। ये प्राप्ति करने लई बहुत सारी मेहनत पहला सालों तक करनी पई, उस मेहनत तो दौरान तुहाडी शुरुआत तो लैके स्टार्टिंग तो हुण तक जिहड़ा माता पिता वालों सहयोग मिलिया, प्यार मिलिया भैणां भरावां वालों, होर रिश्तेदारां वालों, दोस्तां वालों, उहदे बारे कुछ दसो। हाँ जी, आई मीन सपोर्ट तो बिना मैं तो इतने बैठा नहीं होना सीटिंग विदाउट नो सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट से मैं माँ पे तो होना सी, डैड तो मॉम तो, बट क्लब मैंने बहुत सपोर्ट की, कम्यूनिटी ने सपोर्ट की, तुसी क्या दोस्तों ने बहुत किया मेरे लिए, तो उन्होंने तो सारे तो बिना मैं तो इतने बैठना नहीं सी। जी कोई जीवन साथी भी है कोई? ना जी। ते की महसूस कर दे हो, किन्नी खुशी तुहानू इन्हां दे होई? खुशी होई आ अपनी कम्यूनिटी का जिहड़ा नौजवान जिहड़ा अपने जित के आए आ, बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद, अपनी कम्यूनिटी का नौ उच्चा बनाता, परमात्मा करे तंदुरुस्ती रखे इन्हां दी। बस जी धन्नवाद। हाँ जी, मेरा नाम जी बलबीर सिंह बिछला जी, ते खालसा रेसिंग क्लब दे नाल बहुत देर दे जुड़े हुआ लोंग टाइम दे, ते ये बच्चे छोटे छोटे ग्रो साढ़े हत्थां च होए आ, ते असी यही कहने सारिआं नूं भी अपने जिन्ने भी छोटी छोटी पनीरी आ उन्हां नूं ड्रगां तों बचाउण लई इस पासे लाओ, इन्हां नूं जे लाओगे तां आपां माड़े कम्मां तों बचोगे, ते आउण वाले टाइम विच आपां बहुत बहुत खुशियां महसूस करांगे। यही मेरी सारिआं नूं देण आ जी। धन्नवाद सारिआं दा धन्नवाद। निशान रंधावा जी, तुसी कदों तो किस क्लब नाल जुड़े हुए हो, तो किहड़े किहड़े टूरनामेंट तुसी हुण तक जित्ते आ, तो इस तो बाद आने वाले टाइम तुहाडियां की विल्स ने, की विशेस ने? हाँ जी, मैं गुरु गोबिंद सिंह रैसलिंग क्लब रैसलिंग करता हाँ, तो मैं हाई स्कूल नैशनल चैंपियन भी रहा हाँ, प्रोविंशियल चैंपियन भी हाँ, जूनियर नैशनल चैंपियन, इस साल मैं सीनियर नैशनल चैंपियन भी सीगा। असी हुणे आए हाँ कॉमनवैल्थ गेम्स तो, उत्थे मैं 97 किलोग्राम के गोल्ड मैडल जीत के आया सीगा, तो आने वाले समय में असी एक महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप चले हाँ सर्बिया के, उत्थे सानू उम्मीद है असी उत्थे मैडल लेके आऊंगे कैनेडा ले, तो अगले तो अगले साल साडा ओलंपिक ट्रायल होने आ, तो सानू उम्मीद है असी ओलंपिक्स जाके उत्थे भी मैडल जितांगे जी। होर पे नौजवानों नू तुसी की कहना चाहते हो, कोई ऐनी संदेश कुछ खास? मैं ही कहूँगा कि अपने न्याणों नू स्पोर्ट्स च पाओ, असी ऑलवेज मीडिया विच नैगेटिव चीज़ों नू बहुत लाइट दे दी आ, पर जो साडे न्याणे बाहर जाके मैडल जित के आउंदे उन्हां नू भी लाइट देनी चाहिए आ, तो जिन्हें न्याणे साडे स्पोर्ट्स च पाओगे उन्हां दा ध्यान स्पोर्ट्स वाल पर रहेगा, तो माड़े कामां वाल टाइम घट रहेगा। हमी साहब, अज जिहड़ा रैसलर्स का सन्मान किया गया है, ये बारे कुछ चानना पाओ? देखो जी, साडे लई बड़ी माण की गल हैगी आ, इंडियन ओरिजन के बच्चे जो इत्थे आ के इंटरनेशनल लैवल ते अचीव करते आ, बहुत ही खुशी प्राप्त हुंदी आ, बड़े माण की गल हैगी आ। इस करके उन्होंने हौसला अफजाई लई ताकि होर भी बच्चे देख के जो उन्होंने मल्ला मारियां इदां ही होर भी बच्चे रेडी होण, इस करके उन्होंने सन्मान गुरद्वारा खालसा दीवान सोसाइटी साहब अज किया गया जी। जी इस तरह दे तुसी पहला भी कुछ करदे हो प्रोग्राम? कदी कदी जदों कितें इदां दी कोई अचीवमेंट आउंदी आ उदों इदां दा काम जरूर करदे रहीदा जी, उत्साह करदे रहीदा प्लेयरां नूं, कोई होर भी इंटरनेशनल लैवल दे किसी ने कोई मल्ला मारियां होण, वी लाइक टू इनकरेज दोज पीपल ऑल द टाइम जी। थैंक यू जी। वीर सिंह धालीवाल जी, जिहड़ा सन्मान किया गया प्लेयरां दा, ते प्लेयरां दे बारे ते इस सोसाइटी बारे तुहाडे जिहड़े स्पोर्ट्स कमेटियां, इन्हां बारे चानना पाओ? भाई सब तो पहला सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, ते सांझा टीवी दा धन्नवाद जिहड़ा कि तुसीं अपना समां कढ के अज इत्थे प्रोग्राम नूं संगतां दे रूबरू करन आए हो, असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। और बड़ी खुशी दी गल है, साडे अपनी कम्यूनिटी दे लोअर मेनलैंड दे तीन प्लेयर जिन्हां दे विच अमरवीर टेसी, निशानप्रीत रंधावा ते जसमीत फूलका, तिन्हां ने मल्ला मारियां, दो ने गोल्ड मैडल जिते आ और एक ने सिल्वर मैडल जितया आ, और
सब तो वड्डी खुशी की गल है कि साडे अपने बच्चे आ, साडे अपने परिवारों के बच्चे आ, और साडा जिहड़ा खालसा दमान सोसायटी का टूरनामेंट पिछले 40-50 साल तो चलिया आ रहा, उस विच हिस्सा लैंदे रहे आ, और उस वेले मन बड़ा खुश हुंदा जदों अपने घर के बच्चे कोई प्राप्ति करदे आ। सो साडा सारिआं दा इह फर्ज बणदा इहनां नूं सन्मानित करिए, और साडे नाल साडे कमेटी मैंबर बीसला जी गुरबख्श घेड़ा हुणी हाजर आ, इह वी पिछले तकरीबन 40 साल तो टूरनामेंट लई अपना टाइम कढ रहे आ और प्लेयरां नूं ट्रेन कर रहे आ। मेरा नाम गुरबख्श सिंह संघेड़ा। संघेड़ा साहब, जिहड़ी स्पोर्ट्स कमेटी आ गुरद्वारा साहब दी, ओह की काम करदी आ, किस तरह उत्साह देंदी आ, की मदद करदी आ प्लेयरां दी? ये कनेडा दे इतिहास दे विच इह गल आउंदी आ जी कि स्पोर्ट्स नूं सब तो पहला कबड्डी ते रैसलिंग दोए चीज़ां नाल सॉकर भी, ये मतलब साडे उहनां बजुर्गां दा इतिहास आ जिहड़े इत्थों वह बबर जिन्हां ने हिंदुस्तान नूं आज़ाद भी करवाउण गए, तो उस टाइम वो सारे इस सोसायटी दे नाल भी जुड़े सी, ते हरेक ऐतवार नूं वह कट्ठे हो के उस वेले मतलब अपने तौर दे उत्ते ये गेमां खेलदे सी। उदू बाद हौली हौली ऑर्गेनाइज जदों फिर जिहड़ा वड्डे लैवल ते जदों नैशनल इंटरनेशनल टीमां मंगाउण लगे कबड्डी वगैरह दियां, ये तकरीबन जिहड़ी गल है 1980 तों बाद दे विच शुरू होई, पर खालसा दीवान सोसायटी ने चाहे इत्थों दे जिहड़े साडे बच्चे आ उह उहनां ने किसी यूनीवर्सिटी दे विच्चों कोई मल मारी होवे, ते चाहे स्पोर्ट्स दे विच, चाहे वह रैसलिंग दे विच सी, चाहे वह वेटलिफ्टिंग दे विच सी, सॉकर दे मुंडे भी साडे कबड्डी वालिआं नूं जिहड़ा नगद इनाम देना शुरू कीता, वह सब तो पहला खालसा दीवान सोसायटी ने ही कीता। तुसीं वेख्या सन्मान समारोह खालसा दीवान सोसायटी वैनकूवर वालों किया गया, उन्हां पहलवानां दा जिन्हां ने गोल्ड मैडल ते कांसी दे मैडल जिते। सांझा टीवी वास्ते सरबजीत उखला, रॉ स्ट्रीट, गुरद्वारा वैनकूवर।